दोस्तों, हमारा आज का विषय है कर्म और भाग्य। किसी ने ठीक ही कहा है, होनी तो हो कर रहे, अनहोनी ना होए। जी हाँ दोस्तों, कुछ लोग ऐसा मानते हैं कि जो भाग्य में लिखा है वही सच है, भाग्य का लिखा कोई नहीं बदल सकता। और कुछ लोग ऐसा सोचते हैं कि इंसान अपने कर्म से माना जाता है, भाग्य से नहीं। तो आखिर क्या सच है और क्या गलत, आइए इसी बारे में चर्चा करने के लिए मैं एक बार फिर से स्वागत करती हूँ वर्ल्ड रेनाउंड वैदिक साइंटिस्ट डॉक्टर सत्यनारायण दास का। वैदिक साइंटिस्ट डॉक्टर सत्यनारायण दास, हरियाणा के एक गांव के किसान परिवार में जन्मे सत्यनारायण दास ने आईआईटी दिल्ली से सॉफ्टवेयर इंजीनियर की डिग्री हासिल की है। अमेरिका में नौकरी करते हुए आपने ये महसूस किया कि वहाँ लोग धनी होते हुए भी दुखी हैं, उनकी जिंदगी में एक अधूरापन है। दूसरी तरफ आपने भारतीय वैदिक कल्चर की संपूर्णता को देखा, साथ ही भारतीयों को इस संस्कृति को भूलते हुए भी महसूस किया। तब भारत आने के बाद आपने संस्कृत में पीएचडी की एवं गुरु शिष्य परंपरा से वैदिक फिलॉसफी का अध्ययन किया और कई पुस्तकों का लेखन, संपादन एवं अनुवाद भी किया। अब आपकी जिंदगी का यही एक उद्देश्य बन गया कि जीवन से जुड़ी लोगों की उलझने और सवाल जो जवाब के लिए तरस रहे हैं, उन्हें वैदिक और वैज्ञानिक दृष्टिकोण से सुलझाया जाए और घर घर में आनंद पहुंचाया जाए। सो फ्रेंड्स, लेट्स वेलकम डॉक्टर सत्यनारायण दास। डॉक्टर साहब नमस्कार, आपका स्वागत है हमारे इस शो में। नमस्कार नीरजा जी। डॉक्टर साहब, आज का हमारा विषय है कर्म और भाग्य, बहुत ही गंभीर विषय है। और सबसे पहले मैं आपसे ये पूछना चाहूंगी कि कर्म और भाग्य मतलब क्या ये दोनों एक ही सिक्के के दो पहलू हैं, या फिर हमें अपने जीवन में क्या महत्व देना चाहिए कर्म और भाग्य को? देखिए नीरजा जी, ये कर्म और भाग्य वास्तव में एक ही वस्तु है। संस्कृत में व्याख्या की गई है, पूर्व जन्म कृतम कर्म तद भाग्यम इति अभिधीयते। पहले हम जो कर्म करते हैं, पूर्व जन्म में जो कर्म किया है उसी को भाग्य कहते हैं जी। क्योंकि हमारी भारतीय संस्कृति में हम पुनर्जन्म मानते हैं, आत्मा नित्य है और शरीर विनाशी है। तो जो कर्म हम पहले कराए हैं उसका फल मिलता है बाद में, उसको भाग्य बोलते हैं। तो कर्म जो है और भाग्य, इनका संबंध ऐसे है जैसे बीज और पेड़ का। जैसे आम की गुठली होती है, उससे पेड़ पैदा होता है, लेकिन पेड़ से फिर गुठली बनती है। तो इसी प्रकार मनुष्य जो कर्म करता है उसी से भाग्य बनता है जी। तो भाग्य कोई नई वस्तु नहीं है, भाग्य भी कर्म ही है जो हमने पहले किया हुआ है। लेकिन दोनों का संबंध इसी प्रकार है जैसे बीज का और पेड़ का। पर कुछ लोग जो है एक को ज़्यादा महत्व देते हैं और कुछ दूसरे को। तो जैसे देखा गया है कि भारत के लोग भाग्य को ज़्यादा महत्व देते हैं और पाश्चात्य में लोग जो हैं वो कर्म को ज़्यादा महत्व देते हैं। तो वास्तव में महत्व तो कर्म को ही देना है, क्योंकि कर्म से ही भाग्य बनता है। जो पहले भाग्य है वो भी कर्म ही था। तो ये दो प्रकार के मत हैं। कुछ लोग कहते हैं कि भाग्य ही सब कुछ है, आयु कर्म च वित्तम च विद्या निधनम एव च पंचैतानि सृज्यन्ते गर्भस्थ एव देहिने। वो कहते हैं कि आयु, कर्म, विद्या, धन और मृत्यु किस प्रकार होगी, ये जो है जन्म के साथ ही फिक्स हो जाता है। तो डॉक्टर साहब, आपने कहा ये जन्म के साथ फिक्स हो जाता है, तो फिर तो भाग्य नहीं हुआ वो चीज़, हमें क्या पता हमारे साथ फिर क्या होने वाला है। नहीं तो भाग्य तो उसी को बोलते हैं ना जो एक बार से फिक्स हो गया। हाँ जी। और उसके बाद में आपको कोई चीज़ मिली, जैसे उदाहरण के लिए आप एक ट्रेन पकड़ते हैं। हाँ जी। तो जब ट्रेन में आप सफ़र कर रहे हैं तो ट्रेन तो अपनी लीक पर ही चलेगी ना, अपने ट्रैक पर ही, उससे हटकर तो नहीं चल सकती है। लेकिन ट्रेन में बैठकर आप क्या करते हैं, क्या सोचते हैं, किससे बात करते हैं, ये आपका कर्म है। लेकिन जो ट्रेन आपने एक बार पकड़ ली है और उसमें बैठ गए हैं तो वो है एक प्रकार से भाग्य। तो जब मनुष्य जन्म लेता है तो कुछ भाग्य से पैदा होता है, जिसको प्रारब्ध कर्म बोलते हैं संस्कृत में, यानी कि वो कर्म का एक हिस्सा जिसका फल आपको इस जीवन में मिलेगा। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आपको बिल्कुल फिक्स हो गया, अब आप कुछ नहीं कर सकते हैं। उसके साथ में आपको कुछ स्वतंत्रता भी दी है भगवान ने, अपने मन से सोचने की और अपने शरीर से कार्य करने की। तो उस कर्म से आप इस जीवन में बहुत कुछ प्राप्त कर सकते हैं और जो भाग्य से आपको मिला है उसमें कुछ बदलाव भी ला सकते हैं। तो मतलब जो चीज़ हमारे भाग्य में लिखी हुई है हम अपने काम करने से उसे चेंज कर सकते हैं? मैं ये कहूँगा कि बिल्कुल तो चेंज नहीं कर सकते हैं, लेकिन कुछ तो चेंज कर ही सकते हैं। और इसमें उदाहरण भी हैं अनेक, जो लोगों ने अपने पुरुषार्थ से कुछ उपलब्धि प्राप्त की है। तो इसलिए एक मत तो ये है कि सब कुछ फिक्स है, लेकिन दूसरा मत भी है
वो कहते हैं कि अगर आपका भाग्य है तो वो भी पुरुषार्थ से ही मिलेगा आपको जी। जैसे रथ के दो पहिए होते हैं तो एक पहिए पर रथ नहीं चलता है। नहीं एकेन चक्रेण रथस्य गतिर्भवेत पुरस्कारेण विना दैवमपि न सिद्ध्यति तथा पुरस्कारेण विना दैवमपि न सिद्ध्यति। तो जैसे रथ के दो पहिए हैं उनसे चलता है, उसी प्रकार आपका जो भाग्य है वो भी तभी सिद्ध होगा, फल देगा, जब आप कुछ पुरस्कार करेंगे, कुछ कर्म करेंगे। अगर आपको ज़मीन पर पैसा पड़ा हुआ दिख भी जाए भाग्य से कम आपको उठाना तो पड़ेगा ना झुक के। ऐसा तो है नहीं कि वो पैसा उछल कर आपकी जेब में आ जाएगा जी। तो इसलिए कर्म का ही महत्व है और हमको कर्म की ही प्रधानता देनी चाहिए। तो फिर, आपने कालिदास का नाम सुना होगा। हाँ जी। हमारे भारत के बहुत बड़े कवि हुए हैं, उनको कहा भी जाता है कि इंडिया शेक्सपियर हैं वो, और उन्होंने बहुत प्लेज लिखे हैं, बड़े इम्पॉर्टेंट पोएट्री भी लिखी है, मेघदूत, अभिज्ञान शकुंतलम इत्यादि। लेकिन उनके बारे में कथा है कि बचपन में वो बिल्कुल गंवार थे, निपट गंवार, यहाँ तक कि उनको अपना नाम लिखना नहीं आता था। अच्छा। और भेड़ें चराते थे। तो एक प्रिंसेस थी, राजकुमारी, उसने वो बहुत विदुषी थी और उसने ये शर्त रखी थी कि जो भी उसको डिबेट में हरा देगा शास्त्रार्थ में, उसी के साथ में वो शादी करेगी। अच्छा। तो बहुत बड़े बड़े पंडित आए उनसे शास्त्रार्थ करने के लिए और उस राजकुमारी ने सबको हरा दिया। उसका नाम विद्योत्तमा था, नाम ही विद्योत्तमा था कि विद्या में उत्तम थी वो। तो पंडितों को थोड़ी ईर्ष्या भी हुई इससे, तो उन्होंने सोचा कि इससे बदला लेना चाहिए। तो बदला लेने की उन्होंने एक युक्ति सोची कि किसी मूर्ख आदमी को पकड़ कर लाते हैं। तो ऐसे एक बार वो निकले जा रहे थे तो कालिदास जो है वो भेड़ चरा के चरा रहा था और पेड़ की एक डाली पर बैठा हुआ इस तरफ बैठ के और उस तरफ से काट रहा था, यानी कि डाली कटेगी तो डाली के साथ में हाँ जी, खुद भी नीचे ही आएगा। तो उन्होंने सोचा कि ये महामूर्ख आदमी है जो इतना भी नहीं जानता है जी। तो उससे कहा कि भाई तुम शादी कराना चाहते हो तो उसकी शादी हुई नहीं थी, ऐसे मूर्ख से शादी भी कौन करेगा। तो बहुत खुश हुआ, तो उन्होंने कहा हाँ, कहता कि नीचे आ जाओ उतर के। तो नीचे उतर के आ गया तो उन्होंने कहा कि हम तेरी शादी कराएंगे और राजकुमारी से शादी कराएंगे, लेकिन एक शर्त है कि तुमको बिल्कुल चुप रहना है। तो उसको राजकुमारी के पास ले गए वो, और ये कथा प्राय करके भारत में सब लोग जानते हैं। उनका शास्त्रार्थ हुआ तो राजकुमारी ने जो है एक उंगली उठाई और कालिदास ने सोचा कि कह रहे कि मैं तेरी एक आंख फोड़ दूंगी, क्योंकि गांव का आदमी था ना, तो गांव के आदमी ऐसे सोचते हैं जी। तो उसने दो उठा दी, तो उसने कहा तू मेरी एक आंख फोड़ेगी, मैं तेरी दोनों फोड़ दूंगी। तो पंडित तो एक्सपर्ट होते हैं व्याख्या करने में, उन्होंने व्याख्या कर दी। तो राजकुमारी ने कहा था कि भाई भगवान एक है, तत्व वस्तु एक है। पंडितों ने कहा एक नहीं है, परमात्मा के साथ में आत्मा भी है। अच्छा। तो फिर उन्होंने रानी उस राजकुमारी ने अपना हाथ खड़ा किया तो उसका कहना था कि ये संसार जो है पांच भूतों से बना हुआ है, आकाश, वायु, जल, अग्नि और पृथ्वी। तो कालिदास ने सोचा कि मेरे को थप्पड़ दिखा रही है। अच्छा। तो उसने हाथ ऐसे बनाया घूंसा। तो पंडितों ने कहा कि भाई संसार पांच तत्व से तो बना है, लेकिन पांचों के मेल से बना है। ये हमारे गुरु जी हैं और ये देशाटन पर चले गए थे, अभी आए हैं, इसलिए अब इनको बुलाए, इन्होंने मौन व्रत लिया हुआ है। तो इसलिए कालिदास जी की जीत हो गई, तो उनको शादी करनी पड़ी। अब शादी करने के बाद में वो महलों में रहने लगे, लेकिन थे तो मूर्ख, और उसको बोल दिया था कि तू बोलना मत, नहीं तो पकड़ा जाएगा। लेकिन एक दिन क्या हुआ कि वो खिड़की से बाहर देख रहा था और वहाँ पर ऊँट जा रहे थे, और उन्होंने अपने जीवन में ऊँट देखे नहीं थे, तो उसको बड़ी उत्सुकता हुई और ज़ोर से बोलने लगा ऊँट रहे ऊँट रहे ऊँट रहे। तो राजकुमार ने सोचा ये तो मूर्ख है, ये तो ऊँट बोलना भी नहीं जानता है, ऊष्ट्र बोलते हैं संस्कृत में। तो उसने जो है उसको घर से बाहर निकाल दिया और दरवाज़ा बंद कर दिया और उसको कहा कि जब तक तुम विद्वान नहीं बन जाओगे दरवाज़ा बंद रहेगा। तो कालिदास को बड़ा दुख हुआ, इतनी अच्छी पत्नी मिली और उसको घर से निकलना पड़ा। तो उसने सोचा कि ठीक है मैं विद्वान बन के ही दिखाऊंगा। तो भटक रहा था, एक गांव से जब निकला तो उसने देखा कि गांव की औरतें जो है वो पानी भर रही थी कुएं से, तो वो भी वहां पर गया, उसने कहा कि मेरे को थोड़ा पानी पिला दो। तो उन्होंने उसको पानी पिलाया, लेकिन जब उसने पानी पिया तो उसने देखा कि ये जो औरतें कुएं से पानी खींच रही थी जैसा गाँव में अभी भी करते हैं, तो रस्सी के निशान से पत्थर जो है वो घिस गया था रस्सी आने जाने से। जैसे कहावत है कि रसरी आवत जात से सिल पर पड़त निशान,
और करत करत अभ्यास के जड़मति हो तो सुजान। तो कालिदास जो है वो उसका उदाहरण है। उसने सोचा कि अरे इस पत्थर पर अगर लकीर पड़ सकती है तो मैं तो मनुष्य हूँ। तो फिर उसने अभ्यास किया और अभ्यास करने के बाद में वो इतना बड़ा पंडित और इतना बड़ा विद्वान कवि बना के उसको इंडिया का शेक्सपियर कहा जाता है। तो इससे पता चलता है कि उसका कर्म तो वैसा ही था, ऐसे परिवार में पैदा हुआ था जहाँ कोई शिक्षा नहीं थी, कोई उसका संग भी ठीक नहीं था, लेकिन अपने मेहनत से, अपने पुरस्कार से उसने अपने भाग्य को बदला। तो इस प्रकार के अनेक उदाहरण हमारे इतिहास में देखने को मिलते हैं जी। तो इसलिए सलाह यही है कि हमको भाग्य को लेकर रोना नहीं चाहिए। भाग्य जो हमारा कर्म है वो मिलेगा हमको, लेकिन अब हम क्या कर सकते हैं। तो इसलिए संस्कृत में एक बहुत अच्छा श्लोक इसी बात को कहने के लिए है कि उद्योगिनम पुरुषिंगम उपैति लक्ष्मी दैवे न देयमिति का पुरुषा वदंती दैवम निहत्य कुरु पौरुषम आत्मशक्त्या यत्ने कृते यदि न सिद्ध्यति कोत्र दोष। तो मतलब यह है कि जो उद्योग करता है, जो परिश्रम करता है, उसके पास में लक्ष्मी आती है। उद्योगिनम पुरुष सिंहम उपैति लक्ष्मी। और जो उद्योग नहीं करेगा तो घर बैठे तो कुछ होने वाला नहीं है। कुछ लोग भाग्य के सहारे ही रहते हैं, तो भाग्य से तो फल मिलेगा नहीं जब तक आप कर्म नहीं करेंगे जी। तो इसलिए भाग्य की परिवार ना करके दैवम निहित्य कुरु पौरुषम आत्मशक्तिया, जितनी भी हमारी कैपेबिलिटीज़ हैं, हमारी अपनी पावर है, स्ट्रेंथ है, एजुकेशन है, जो हमारे अंदर एबिलिटीज़ हैं, गुण हैं, उनके अनुसार हमको प्रयास करना चाहिए। और फिर अगर सफलता फिर भी नहीं मिलती है तो सोचना चाहिए कि क्या कमी रह गई है। तो इसलिए कर्म और भाग्य दोनों एक ही वस्तु हैं और कर्म से ही भाग्य बनता है। अब जो मिल रहा है ये हमारा पूर्व जन्म का कर्म है और आगे का भाग्य सुधारने के लिए हमको अभी कर्म करना चाहिए जी। तो मुख्य वस्तु कर्म ही है। ये आपने बहुत अच्छी तरह कंक्लूड किया कि हमारे पूर्व काल के कर्म ही हमारा भाग्य है। हाँ जी। तो इससे पहले कि मैं आपसे और प्रश्न पूछूं, मैं लेना चाहती हूं अपने पत्र। हमारे पास बहुत सारे लेटर्स आ रहे हैं अलग अलग जगह से। इस शो के ज़रिए काफ़ी लोगों ने हमें पत्र भेजे हैं और अपनी प्रॉब्लम्स के सोल्यूशन उनको मिले हैं। हाँ, तो सबसे पहले मैं लेटर लेना चाहूँगी। ये पत्र लिखा है आगरा से लीना ने। ये लिखती हैं कि मैंने MBA की हुई है और मैं एक अच्छी कंपनी में जॉब करती हूँ, जबकि हमारे पड़ोसी पढ़े लिखे नहीं हैं लेकिन बहुत पैसा कमा रहे हैं। थोड़ी सी मेहनत करने पर ही उनको सफलता मिल जाती है और मैं अपने आप को बहुत बदकिस्मत समझती हूँ कि इतनी मेहनत करने पर भी मुझे कुछ हाथ नहीं आता। मैं इसे कर्म समझूं या भाग्य का दोष? लीना जी, इसमें ना तो कर्म का दोष है ना भाग्य का दोष है। दोष आपका है क्योंकि आप दोष देखना चाहती हैं अपने आप में। अरे आपका पड़ोसी है और वो मेहनत करके कमा रहा है और आप पढ़ी लिखी हैं, तो आप यही क्यों सोचती हैं कि पढ़ने लिखने से ही ज़्यादा पैसा होता है? पैसा जो है या धन जो है वो अपनी मेहनत से आती है। और ऐसा है नहीं है कि किसी ने अगर PhD कर ली तो पैसा उसके पास में बरसने लगेगा। तो आपको ये देखना है कि आप अगर पैसा ही कमाना चाहती हैं तो अपनी योग्यता का उपयोग कैसे करें। और आपने कहा ही है कि आप एक अच्छी कंपनी में कार्य कर रही हैं, तो आपको असंतुष्ट होने की आवश्यकता नहीं है। आपकी जो समस्या है वो ये है कि आप अपनी तुलना कर रही हैं दूसरों से। और मैं ये बताना चाहूँगा नीरजा जी कि लोग प्राय करके ऐसा करते हैं, हमेशा अपनी तुलना दूसरों से करते रहते हैं, हमेशा कंपेयर करते हैं और फिर दुखी होते हैं उससे। लेकिन ये नहीं समझते हैं कि जैसे आपकी समस्याएं हैं ऐसी समस्याएं उन पर भी आती हैं। जैसे कहावत है ना कि दूसरे की थाली में खीर ज़्यादा बढ़िया नज़र आती है, दूर के ढोल सुहावने होते हैं। तो ऐसा कोई आवश्यक नहीं है। उस मनुष्य जो इनका पड़ोसी है उसकी भी अपनी कुछ समस्याएं होंगी और वो सोचता है कि शायद ये अच्छी हैं और वो अपने में दोष ढूंढ रहा हो कि मैं भी अगर इसकी तरह पढ़ा लिखा होता तो एक अच्छी कंपनी में काम करता, देखो मैं तो ऐसा छोटा मोटा काम करता हूँ। तो हम प्राय करके क्या करते हैं कि जो हमको उपलब्ध है उसको हम स्वीकार नहीं करते हैं और दूसरों को देख कर या तो मन में जलन या ईर्ष्या पैदा होती है और उससे दुखी होते रहते हैं या गुस्सा करते हैं या दूसरे के काम में रोड़ा अटकाने का भी प्रयास करते हैं। तो हमको थोड़ा अपने अंदर संतोष भी रखना चाहिए। जब आवे संतोष धन, सब धन धूरी समान। तो अनेक प्रकार के धन हैं, संतोष जो है ये भी एक वेल्थ है, पावर है, तो इसको भी हमें प्राप्त करना चाहिए। इसलिए मैं दर्शकों से ये कहना चाहूँगा कि हमेशा दूसरों से तुलना कर अपने मन में विषाद पैदा नहीं करना चाहिए, ईर्ष्या पैदा नहीं करनी चाहिए, लेकिन देखना चाहिए कि अपनी योग्यता के अनुसार आप क्या प्राप्त कर सकते हैं और अगर प्राप्त नहीं कर रहे हैं तो उसमें क्या कमी है उसका पता लगाना चाहिए। डॉक्टर साहब, मैं लेना चाहूँगी अपना दूसरा लेटर।
ये शगुफ्ता जी हैं पंजाब से, ये कहती हैं कि अभी एक महीने पहले ही मैंने अपनी बेटी की पत्री एक पंडित को दिखाई थी जिनके अनुसार मेरी बेटी के जीवन में शादी का योग नहीं है, और अगर है भी शादी का योग तो उनके पति की मृत्यु हो जाएगी। क्या इस बात में हमें विश्वास करना चाहिए? यदि हाँ तो इसका कोई इलाज बताइए। नहीं, विश्वास तो मैंने बताया शगुप्ता जी, जैसे पहले भी कहा कि भाग्य होता है, ऐसा नहीं कि भाग्य नहीं होता है, लेकिन ये जो लोग प्रिडिक्शन करते हैं ज्योतिष के अनुसार, मेरे विचार से तो ये प्राय करके गलत निकलती हैं, क्योंकि कोई ज़्यादा मेहनत नहीं कर रहे हैं लोग इसको देखने के लिए। मैं अनेक ज्योतिषों से मिला हूँ और जो भी मेरे को उन्होंने बताया वो मेरे को पहले ही पता था, कोई विशेष बात बताते नहीं हैं। और इस प्रकार की बात के उनकी शादी नहीं होगी, इसको आप स्वयं ही आजमा कर देख लीजिए। इस पर मैं कहूँगा कि इस पर विश्वास मत कीजिए, और उनकी शादी के लिए आप कोई लड़का ढूँढिए और उनकी शादी कीजिए, क्योंकि ये काफ़ी संभव है कि जो पत्री देख रहे हैं वो गलत भी हो सकती है, क्योंकि पत्री के लिए, जन्म पत्री देखने के लिए जन्म का समय और जगह है ये सब मालूम एग्जैक्ट होना चाहिए, और इसमें प्राय करके गलती हो जाती है। इसमें भी दो मत हैं कि जन्म का समय कौन सा लिया जाए, जब बच्चा पैदा होता है वो, या जब कंसेप्शन हुई थी, जब गर्भधारण किया था वो, या जब बच्चे का पहला अंग बाहर निकलता है वो जन्म का समय है, या बच्चा पूरा पैदा हो चुका है वो पूरा समय है। इस पर अनेक प्रकार की शंकाएं हैं लोगों के मन में, तो मैं कहूँगा कि आप इन बातों पर ज़्यादा विश्वास मत कीजिए और अपने कर्म पर ज़्यादा विश्वास कीजिए। जी हाँ डॉक्टर साहब, तो डॉक्टर साहब जैसे कि अभी हम शो के बिगनिंग में डिस्कस कर रहे थे, आपने हमें बताया कि वेस्टर्न कंट्रीज़ में एक्शन को ज़्यादा इम्पोर्टेंस दी जाती है और इंडियन कंट्रीज़ में भाग्य को, तो ये क्या हमेशा से ही हमारे इंडिया में ऐसा है या ऐसा क्यों है, हम भाग्य को क्यों इतनी इम्पोर्टेंस देते हैं? नहीं देखो, भाग्य को मैं ये नहीं कहता कि भाग्य की इम्पोर्टेंस नहीं है, भाग्य की इम्पोर्टेंस है और उसको समझना भी चाहिए, लेकिन भाग्य को समझ कर हमें हताश नहीं होना है। ज्योतिष का जो मुख्य प्रयोजन है वो ये है कि इसको समझना कि हमारे भाग्य में क्या है और उसके अनुसार फिर उसका कर्म करना, यानी कि उसको देख के कहना कि ये तो हमारे ज्योतिष ने कह दिया कि शादी नहीं होगी, अब हम चुप बैठ जाएं। जी हाँ डॉक्टर साहब, आपने मतलब इतनी अच्छी तरह ये भाग्य और कर्म के बीच का जो डिफरेंस है हमें समझाया, क्योंकि जनरली आम तौर पे लोग कंफ्यूज रहते हैं कि भाग्य क्या है और कर्म क्या है, तो इसका मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ। और कहने को बहुत कुछ है लेकिन हमारी घड़ी की सुइयों ने संकेत दे दिया है। आपका बहुत बहुत शुक्रिया सत्यनारायण जी, आप हमारे शो में आए, थैंक यू सो मच। धन्यवाद।